आज की वीडियो में एकदम सुपर डुपर फैंटास्टिक रोबोट की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये दोस्तों बम्बलबी सुपर रोबोट। आप में से काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि बम्बलबी रोबोट की अनबॉक्सिंग करने के लिए। देखो यार इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी ज्यादा कमाल का ये रोबोट आज होने वाला है। चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी फाइट दूसरे रोबोट के साथ आज मैं कराने वाला हूँ। पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। ये जो रोबोट है काफी ज्यादा बड़ा है। देखो यार मेरे कैमरा के फ्रेम में ही ये प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर इसके और भी कुछ मेन फीचर्स दिए हुए हैं और बता रहे हैं कि इसके अंदर अपने को बैटरीज वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसके रिमोट के क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है और इसके क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको कहाँ से खरीदे, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक मिल जाएगा और अगर इसका प्राइस भी जानना चाहते हो तो आपको यहीं पर ही क्लिक करना पड़ेगा, इसका प्राइस भी आपको मिल जाएगा। गाइस इसको मैंने कितने में खरीदा है वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ये शायद इसकी कुछ यूजर गाइड है, इसको किस तरह से चलाना है, बैटरीज वगैरह कहां पर इंस्टॉल करना है, सारी चीजें इस यूजर गाइड के अंदर अपने को मिल जाएगी। तो रोबोट को भी यहां से निकाल लेते हैं। ओह माय गॉड यहां पर ये क्या है यार। ओहो तो अच्छा ये इसका जो सर है इस तरह से पूरा 90 डिग्री ऊपर की तरफ चला जाता है। क्वालिटी काफी ज्यादा सही लग रही है। फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ साइड में, देखते हैं इसके साथ और क्या क्या मिले हैं। अच्छा तो ये देखो यार बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है। ये डोर भी है और इसके साइड के विंग्स भी बन जाते हैं। इसको कहाँ पर लगाना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस फिलहाल इसको भी रख देते हैं साइड में। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, पूरी तरीके से आईआर सेंसर वाला रिमोट कंट्रोलर है। यहाँ पर इसके डिस्क भी है, यानी कि अपना जो रोबोट है डिस्क भी थ्रो कर सकता है। ये देखो यार रेड कलर के अपने को यहाँ पे बहुत सारे स्टायरोफोम वाले डिस्क भी मिल जाते हैं। अभी अपने दूसरे वाले रोबोट को भी फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर आप इसको भी खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलो गाइस फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर भी काफी ज्यादा मेन फीचर्स है, जैसे कि ये जो रोबोट है ना डार्ट्स वगैरह शूट कर सकता है। यहां से देखो मैं रोबोट को निकाल लेता हूं फटाफट से। ये भी जो रोबोट है काफी ज्यादा बड़े साइज का है और इसकी भी क्वालिटी एकदम तगड़ी है। कैनन दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को डार्ट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। यहां से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपन। इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा इसका रिमोट, रोबोट फेस जैसा ही इसका रिमोट कंट्रोलर यहां पे दिया हुआ है। ये रहे इसके डार्ट्स, टोटल अपने को 5 डार्ट्स मिल जाते हैं इसके साथ। ऑलराइट गाइस दोनों रोबोट्स को मैंने यहां पे रख दिया है। दोनों रोबोट्स का साइज आप देख सकते हो। अपना जो बम्बलबी वाला सुपर रोबोट है अपने मैक्वायरियर रोबोट से बड़ा लग रहा है और ये काफी ज्यादा मोटा तगड़ा रोबोट है। क्वालिटी इसकी एकदम ऑसम है। यहां पर ये होल क्यों दिया गया है अभी मेरे को समझ में आया। गाइस यहां पे देख सकते हो अपने को ये जो डिस्क मिली थी, ये जो डिस्क है अपने को इसके अंदर इस तरह से लगाना पड़ता है। यहां पर देख सकते हो इसके दो फिन्स यहां पर मैंने अटैच कर दिए है। ये जो कार का बोनट है उसी तरह का यहां पर डिजाइन बनाया गया है। ये देख सकते हो दो हेडलाइट्स है। रोबोट को आप साइड से देखो ना यार और भी ज्यादा मजा आता है। शोल्डर प्रोटेक्टिंग गार्ड्स भी मिल जाते हैं इस रोबोट के अंदर, जैसे कि देख सकते हो ये गार्ड आप हटा भी सकते हो चाहे तो लगा भी सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी शायद LED लाइट्स भी दी गई होंगी। यहां पर देखो यार व्हील्स भी लगाए गए। ये जो रोबोट है कार बन जाता तो भाई एकदम मजा आ जाता, पर ये जो रोबोट है कन्वर्ट होकर कार नहीं बन सकता है। इसके राइट हैंड में यहां पर एक बहुत ही बड़ी वाली ब्लास्टर गन भी लगाई गई है और ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। दोनों के रिमोट्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि देख सकते हो दोनों रिमोट जो है IR सेंसर वाले हैं। इसके अंदर भी ढेर सारे बटन्स हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं, पर डिजाइन जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक है दोनों ही रिमोट्स का। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं बाहर, कराते हैं भाई दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन सा रोबोट जीतेगा, बम्बलबी रोबोट या फिर मैक्वायरियर रोबोट। चलो गाइस लेट्स गो। ऑलराइट गाइस बम्बलबी रोबोट के अंदर मैंने बैटरीज डाल दी है। यहां पर है इसको ऑन ऑफ स्विच, इसको ऑन कर लेते हैं फटाफट से, देखते हैं अपना जो रोबोट है क्या क्या चीजें करके बता सकता है। चलो गाइस रिमोट ले लिया मैंने, रिमोट के अंदर जैसे ही मैं ये बटन दबा रहा हूं देख सकते हो अपना जो रोबोट है बैक की तरफ जा रहा है। ये जो बटन दबाऊंगा तो देखते हैं अभी क्या करता है। अच्छा तो फ्रंट की तरफ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और दो बटन है, इसके ऊपर डबल आ रहा है। ये बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया अपना जो रोबोट है काफी तेजी से स्लाइड करता हुआ पीछे जा रहा था। अभी ये बटन दबाते ही देखो स्लाइड करते हुए आगे की तरफ आ रहा है। ये बटन जो है इसका डायरेक्शन बटन है। अपन इसको जैसे ही प्रेस करते हैं इसको अपन चाहे तो लेफ्ट को या फिर राइट को पूरी तरीके से टर्न करा सकते हैं या फिर 360 डिग्री भी घुमा सकते हैं। इसके अंदर अपने को एक डांस का भी बटन मिल जाता है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया अपना जो रोबोट है स्लाइड करता हुआ सिर्फ आगे आ रहा है। अभी देखो यार ये एकदम से घूम चुका है। अच्छा तो यहां पर देखो यार ये माइकल जैक्सन का मून वॉक करके बता रहा है, काफी सही तरीके से डांस स्टेप्स भी कर सकता है अपना रोबोट।
अपन रोबोट को बैटल मोड में डालने वाले हैं। जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया, इसका जो राइट हैंड वाला ब्लास्टर है, देखो यार इसके अंदर इस तरह की लाइट्स आने लग रही है। अच्छा, तो यहाँ से ये डिस्क थ्रो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यार, डिस्क जो है बड़ी ही फास्ट तरीके से निकल रही है। ऊपर की तरफ एक कर्टन है, इसके ऊपर अपन शूट करके देखते हैं। ओ भाई, ये जो कर्टन है 15 मीटर दूर है, देख सकते हो अपना जो रोबोट है कितना तेजी से इसके ऊपर थ्रो कर रहा है। कैमरा पर आके सीधा इसकी डिस्क लगी है, मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखाता हूँ। ओ माय गॉड, इसका जो एमिंग है काफी ज्यादा सही लग रही है मेरे को। ऑलराइट गाइस, अभी मैक वॉरियर रोबोट को अपन टेस्ट करने वाले हैं। इसका ऑन ऑफ स्विच मैंने जैसे ऑन किया है, ये हेलो मास्टर बोल के अपने को विश करने लगता है। ये जो रोबोट है थोड़ा सा स्लो मेरे को लगता है बम्बल बी के मुकाबले में, देख सकते हो, और काफी ज्यादा स्लोली आगे की तरफ मूव कर रहा है। पर इसके अंदर एक अच्छी चीज है, देख सकते हो 360 डिग्री बहुत ही ज्यादा क्विकली टर्न हो जाता है। तो अभी इसको बैटल मोड में अपन डालते हैं, देखते हैं यार इसके ये जो डार्ट्स है कितने फास्ट तरीके से शूट कर पाते हैं। ओ माई गॉड, मेरे को लग रहा है कि बम्बल बी के डिस्क से भी इसके जो डार्ट्स है काफी ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो अभी दोनों रोबोट्स को अपन इकट्ठा डांस करा के देखने वाले हैं। देखते हैं गाइस कौन सा रोबोट काफी अच्छी तरीके से स्टेप्स वगैरह डालकर यहाँ पे डांस वगैरह अपने को करके बता सकता है। दोनों ही रोबोट जो है बहुत ही यूनिक किस्म का डांस करते हैं। दोनों ही रोबोट जो है यहाँ पे माइकल जैक्सन के सॉन्ग पर डांस भी कर रहे हैं। ओके गाइस, अभी देखेंगे कौन सा रोबोट एकदम फास्ट तरीके से शूट कर सकता है। दोनों को इकट्ठा शूट करा के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेक वॉरियर रोबोट, इसने अभी तक 5 डार्ट शूट कर दिए बहुत ही फास्ट तरीके से। बम्बल बी रोबोट अभी तक इसने 2 ही डिस्क को शूट किया है, तो क्लियरली फास्ट शूट करने के मामले में अपना मेक वॉरियर रोबोट जीत चुका है। दोस्तों अभी देखेंगे शूटिंग पावर कौन से रोबोट के अंदर ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो बम्बल बी रोबोट के सामने मैंने इतने ढेर सारे ग्लासेस जमा दिए हैं, अभी शूट करा के देखते हैं ये ग्लासेस को कितने जल्दी गिरा पाता है। यहाँ पे देख सकते हो इसने 2 डिस्क शूट कर दिए, अभी तक एक भी ग्लास नहीं गिरा है। 3rd डिस्क पे यहाँ पे 3 ग्लासेस गिरे हैं, देखते हैं यार अभी कितने डिस्क अपने को शूट करने पड़ेंगे सारे के सारे ग्लासेस गिराने के लिए। इसने यार अभी यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस को गिरा दिए। देखो यहाँ पे मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा रहा हूँ, इसके जो डिस्क बहुत ही फास्ट तरीके से तो निकलते हैं, पर ज्यादा पावर नहीं है गाइस इसके डिस्क के अंदर, क्योंकि ये जो डिस्क है बहुत ही हल्के मटेरियल से बनाए गए। अभी तक भाई तकरीबन सारे के सारे ग्लासेस गिरा के रख दिए हैं। मेक वॉरियर रोबोट के डार्ट्स की पावर देखेंगे गाइस। ये देखो इसने एक डार्ट के अंदर ही 4 ग्लासेस को नीचे गिरा दिया है, दूसरा डार्ट मिस हो चुका है, तीसरे डार्ट के अंदर देखो यार इसने 3 ग्लासेस को नीचे गिरा दिया। इसका मतलब ये है कि इसके डार्ट जो है काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी एमिंग भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। देखो यार कितना ज्यादा क्विक तरीके से शूट कर रहा है। डार्ट शूट करने के मामले में मेक वॉरियर रोबोट जीत चुका है अपना। इन दोनों रोबोट्स की अपन आमने सामने वाली फाइट कराने वाले, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन जीतता है। अपना मेक वॉरियर रोबोट देखो यार एकदम धनाधन तरीके से डार्ट्स को फेंके जा रहा है बम्बल बी रोबोट के ऊपर, पर बम्बल बी को कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ पा रहा है। बम्बल बी भी देखो यार मेक वॉरियर रोबोट के ऊपर इस तरह से डिस्क फेंके जा रहा है, डिस्क फेंकने का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों रोबोट इकट्ठा हो चुके हैं, अभी दोनों के बीच में हाथापाई हो रही है, दोनों पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भाई दोनों के बीच में टाई हो चुका है। यहाँ पर बम्बल बी रोबोट के साथ अपन वेट पुल टेस्ट करा के भी देखने वाले हैं। इसके पीछे मैंने एकदम भारी भरकम वाली आरसी कार को बांध दिया है, देखते हैं बम्बल बी रोबोट इतनी ज्यादा भारी भरकम कार को खींच पाता है, यानी बहुत आसानी से खींच के लेके जा रहा है, इसको कोई भी दिक्कत यहाँ पे हो नहीं रही है। तो सेम टेस्ट करते हैं मैक वॉरियर रोबोट के साथ, ये भी देखो यार काफी आसानी से खींच के लेके जा रहा है, पर इसकी स्पीड जो है बम्बल बी के मुकाबले में थोड़ी सी कम मेरे को लग रही है। ओ भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत आ चुकी है, अपना मैक वॉरियर रोबोट शायद नीचे गिरने वाला है। ओ भाई ये गिर चुका है पूरी तरीके से, तो भाई वेट खींचने के मामले में क्लियर नहीं, अपना बम्बल बी रोबोट जीत चुका है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको मेक वॉरियर रोबोट पसंद है या फिर बम्बल बी रोबोट पसंद है, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो भी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है सत्यम, कनिष्क, आयुष, महावीर, एलन, जमील, आदित्य, ईशु, प्रियांशु, रियाद, अनुपम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।